अच्छा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल जसविंदर चौहान, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल प्रमोद कुमार रॉय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल दलजीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह छब्बेवाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र बहादुर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह नंदल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह पनवर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अजीत सिंह नरूला, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल निरंजन कुमार नडेला, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। वाइस एडमिरल प्रदीप कुमार चटर्जी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
एयर मार्शल प्रिय रंजन शर्मा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, लेफ्टिनेंट कमांडर अब कमांडर अभिलाष टॉमी। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी ने अकेले बिना रुके और बिना सहायता के पृथ्वी की जल पथ परिक्रमा की। मुंबई से 1 नवंबर 2012 को आरंभ हुई 151 दिनों की समुद्री यात्रा में लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी नाव में एकमात्र सवार थे। इन्होंने ना तो बाहर से कोई मदद ली, ना ही नेविगेशन के लिए अपने इंजनों का उपयोग किया। दुनिया भर की अलग अलग जगहों से गुजरते हुए इनकी समुद्री यात्रा 10 मीटर की जलीय तरंगों और 4 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच भिन्न भिन्न तापमानों सहित 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाओं का सामना करते हुए पूरी हुई। 40,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा के दौरान कई बार उग्र मौसम ने नाव के सबसे बड़े पाल को खोल दिया, जिससे नाव के हिलते हुए पलटने तक की नौबत आ गई। कई बार मुख्य पाल के फटे हुए टुकड़ों को हटाने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष को मस्तूल पर चढ़ना पड़ा। 151 दिनों की रोमांचित करने वाली इनकी ये समुद्री यात्रा भारतीय समुद्री इतिहास में बेमिसाल है। लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष टॉमी ने पृथ्वी की अकेले समुद्री परिक्रमा करने के दौरान अटूट साहस, संयम और पेशेवर कुशलता का परिचय दिया। कमांडर अभिलाष टॉमी। महेश कुमार सेना मेडल पंजाब रेजिमेंट 22वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स। 18 दिसंबर 2012 को सादीपुर गांव सोपोर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सूचना पर मेजर महेश कुमार ने लक्षित मकान की कारगर रूप से घेराबंदी की। सुबह सवेरे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने गोलीबारी कर उनको भागने नहीं दिया और इस बहादुरीपूर्वक कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मारा गया। अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए ये जैसे ही लक्षित मकान की ओर बढ़े, तभी दो आतंकवादी गोलाबारी करते हुए मकान से भागने लगे। इन्होंने रेंगते हुए आगे बढ़कर दोनों कट्टर आतंकवादियों का काफ़ी नज़दीक से सफाया कर दिया। 21 अक्टूबर 2012 को शालपुरा मोहल्ला सोपोर में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान IED द्वारा ध्वस्त किए गए मकान के मलबे से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे आतंकवादी से इनका सामना हुआ। घुटनों के बल रेंग कर इन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। 17 अप्रैल 2013 को बहरामपुरा गांव सोपोर में आतंकवादियों के होने की सूचना पर मेजर महेश ने तत्काल कार्रवाई आरंभ कर दी। चुनौती पाकर दोनों आतंकवादियों ने साइकिल पर सवार होकर भागने का प्रयास किया। मेजर महेश ने भागते हुए आतंकवादियों का पीछा किया। एक आतंकवादी ने एक हैंड ग्रेनेड निकाल उसकी सुरक्षा पिन निकालने की कोशिश की। इन्होंने उस पर धावा बोल उसे नज़दीकी हाथापाई में पकड़ लिया। मेजर महेश कुमार सेना मेडल ने सफल आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में अदम्य साहस, उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व भावना का प्रदर्शन किया। मेजर महेश कुमार। विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो मरणोपरांत। विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो को भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी भूभाग में चलाए जा रहे आपदा राहत अभियान ऑपरेशन राहत में MI-17V5 हेलीकॉप्टर के कैप्टन के तौर पर तैनात किया गया। केदारनाथ की संकरी घाटियों में ढेरों तीर्थयात्री भोजन और पानी के बिना 5 दिनों से फंसे हुए थे। विंग कमांडर कैस्टेलिनो ने सच्ची वायुसैनिक भावना का परिचय देते हुए 21 जून 2013 से बचाव अभियान आरंभ कर दिया। खराब मौसम होने के बावजूद उन्होंने 22 से अधिक उड़ानें भरी, जिससे वहां फंसे 190 से ज़्यादा तीर्थयात्रियों की जानें बचाई जा सकें। 25 जून 2013 को विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो को आवश्यक आपूर्ति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीमों को 11,000 फीट की ऊंचाई पर गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुँचाने और वापसी में फंसे तीर्थयात्रियों को निकाल लाने का दायित्व दिया गया। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए 3 उड़ानों द्वारा 80 लोगों के जीवन को बचाया।
किंतु केदारनाथ से गुप्तकाशी लौटते हुए खराब मौसम के कारण घाटी की अत्यधिक खड़ी चोटियों से उनका हेलीकॉप्टर टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में कीमती जिंदगियां बचाने के अत्यधिक जोखिम भरे मिशन में असाधारण साहस और पेशेवर कुशलता का परिचय दिया और अपना कर्तव्य करते हुए जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय विंग कमांडर डेरिल कैस्टेलिनो की पत्नी श्रीमती ज्योति कैस्टेलिनो। युद्ध, संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी। लेफ्टिनेंट जनरल चंगाली आनंदा कृष्णन, अति विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल बार, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार नरूला, सेना मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार सक्सेना, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल गौतम मूर्ति, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल एवी सुब्रमणियन, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार मेहता, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश चंद्र चड्डा, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भल्ला, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल पेरुवेम्बा रामचंद्रन कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल।
वाइस एडमिरल सरोज कुमार झा, नौसेना मेडल। मेजर जनरल बॉबी चेरियन मैथ्यूज, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अविनाश लक्ष्मण चौहान, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल ललित कुमार पांडे, सेना मेडल। मेजर जनरल अभय कृष्ण, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अतुल कृष्ण।